हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.2 के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कभी मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 बता रही हूँ, तो इसके पहले जो मैंने एक्सरसाइज 3.1 की भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखा है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके एक्सरसाइज 3.1 भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी के बारे में बताऊँगी। तो प्रॉपर्टी ये है कि जैसे कोई भी एक पॉलीगोन होता है, ठीक है, उस पॉलीगोन में क्यों, पॉलीगोन का मतलब क्या होता है कि इनक्लोज्ड एरिया जो होता है ना, वो बहुत सारे साइड्स से होते हैं, ठीक है। ये नहीं होता है कि सिर्फ 3 साइड्स होंगे या 4 साइड्स होंगे, उससे अबव भी हो सकते हैं। तो वो इनक्लोज्ड एरिया जो होगा वो क्या होगा, पॉलीगोन। अब जैसे आप यहाँ पे देख सक रहे हो, ये ट्रायंगल है तो ये एक पॉलीगोन है। ये भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे टोटल 5 साइड्स है, तो ये भी एक क्या है, पॉलीगोन है। इसमें 6 साइड्स भी हो सकते हैं। तो जो भी हो, उसमें जो पॉलीगोन होता है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है लाइक दिस, कि जैसे यहाँ पे जो आप साइड देख पा रहे हो, इसमें जो एक्स है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पे 125 जो है, ये भी क्या एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पे भी ये एक्सटीरियर एंगल है। इसमें भी आप देख पा रहे हो, ये 70 डिग्री हो गया, ये एक्स हो गया, ये 90 हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, ये सभी क्या एक्सटीरियर एंगल है। तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल हों, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी क्या होता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द 360। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं इसको। तो हमारा क्या है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, तो हम लोग चलिए सबसे पहले यहाँ पे अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख पा रहे हो कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो जो भी फिगर दिया हुआ है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें एक्स की जो वैल्यू निकालोगे आप, यहाँ पे जो तीनों एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तीनों एक्सटीरियर एंगल में हम सबसे वैल्यू लिखेंगे क्या है। सबसे पहले है 125 डिग्री, सेकंड भी आप देख पा रहे हो 125 डिग्री है, और थर्ड जो है वो x डिग्री है। तो मैंने अभी जो प्रॉपर्टी बताई, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इन तीनों का सम जो होगा वो 360 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सम है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 250 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, राइट। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा, जब 250 को हम दूसरी साइड में लेके आएंगे तो -350 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x डिग्री जो होगा, दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 110 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री, ठीक है। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो जिसमें देखिए कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो हमेशा 180 के इक्वल होती है। तो अगर ये 90, ये अगर 90 है तो ये भी 90 है। वैसे हमें यहाँ इंटीरियर एंगल को नहीं देखना है, हमें एक्सटीरियर एंगल यहाँ गिवन है, यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल गिवन है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, बट यहाँ पर नहीं है। जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ वही चीज़ सेम चीज़ है कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा 180 के इक्वल होती है। सो यहाँ पे अगर ये 90 है तो ये एक्सटीरियर एंगल भी कितने डिग्री का होगा, ये एक्सटीरियर एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ओके। और ये जो है यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल आपको दिखाई दे रहा है कि ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे क्या क्या हो जाएंगे, 90, 70, एक्स 90 एंड 60। तो इन जितने भी एक्सटीरियर एंगल है सबका सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, 360 के, जैसे कि मैंने आपको अभी इसमें बताया था प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, 360 डिग्री, ओके। तो 360 अब हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 310 डिग्री। और x जो होगा उसको हम इसी तरह, क्योंकि वो ऐड नहीं होगा, अगर ये सारे नंबर x के साथ होते तो ये ऐड हो जाता, ठीक है। तो x जो होगा अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 50 डिग्री, ओके। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें आप देख पा रहे हो कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगोन। तो हमें जो रेगुलर पॉलीगोन जो है, जिसमें 9 साइड्स हैं, तो इसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल की आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हमारा इसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा कि क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको 9 साइड्स गिवन है, ठीक है, 9 साइड्स गिवन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसे तीनों का जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं सबका सम 360 होता है ना, तो 360 से हम नंबर ऑफ साइड्स को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हर एक साइड की जो वैल्यू होगी वो कितनी डिग्री होगी, 40 डिग्री होगी। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी करेंगे, सेकंड वाला में जो आपको साइड गिवन है वो 15 साइड्स हैं, तो इसी तरह से हम ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो किस तरह से निकालेंगे, 360 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 15, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 24 डिग्री। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो होगी वो 24 डिग्री के इक्वल होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ये गिवन है कि हाउ मेनी साइज डज अ रेगुलर पॉलीगोन हैव इफ़ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 24 डिग्री। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि हर एक एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो 24 डिग्री है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सेम ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो है, जिस तरह से देख पा रहे हो कि ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो आपको दिया हुआ है आपको, ठीक है, और यहाँ पे क्या नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ साइड है। तो जब हम इस वाले को इधर लेके आते हैं तो ये वाला नंबर जो उधर चला जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स जो होंगे वो इधर आ जाएंगे और ईच मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू जो होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम निकालेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 360 बाय जो वैल्यू है वो हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको 24 डिग्री दी हुई है। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 15 साइड्स। तो कितने साइड्स हो जाएंगे, यहाँ पे 15 साइड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जिसमें आपको ये दिया हुआ है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगोन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि हर एक इंटीरियर एंगल अगर 165 डिग्री का होता है तो रेगुलर पॉलीगोन जो होगा उसके कितने साइड्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसमें जैसे कि अगर हम लोग एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालते हैं तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस जो आपको इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 165 डिग्री दी हुई है। तो इंटीरियर एंगल लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, तो वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ पे 15 डिग्री, ठीक है। अब 15 डिग्री आ जाती है एक्सटीरियर एंगल, अब आपको यहाँ पे पूछा है कि कितने जो है कितने साइड्स हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय 15 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 15 डिग्री है। सो हम यहाँ पे 360 को 15 डिग्री से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 24। कितने साइड्स हो जाएंगे यहाँ पे, 24 साइड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगोन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 22 डिग्री। तो यहाँ पे आपको ये पूछा गया कि अगर एक हर एक एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी, जो मेजरमेंट होगी, वो अगर 22 डिग्री है तो क्या रेगुलर पॉलीगोन जो है ये पॉसिबल है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सबसे पहले कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स देखते हैं क्या आता है, फिफ्थ का फर्स्ट
360 से किसको डिवाइड कर, 360 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 22 से, ठीक है। तो 22 को जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 36। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये नंबर जो है कोई होल नंबर नहीं है, सो यहाँ पे क्या है कि रेगुलर पॉलीगोन जो है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में आपको ये बोला गया है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आपको ये गिवन है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगोन एंड वाई। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि 16.36 था, तो ये जो होगा ना ये 360 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला कि अगर इंटीरियर एंगल जो है, क्या इंटीरियर एंगल जो होगा इसके इंटीरियर एंगल से क्या रेगुलर पॉलीगोन पॉसिबल है, तो जो इंटीरियर एंगल होगा, सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल निकालेंगे। यहाँ पे इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, तो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे 158 डिग्री, ठीक है। अब 158 डिग्री अगर इंटीरियर एंगल आ रहा है, तो यहाँ पे भी जो है इसमें भी जो इंटीरियर एंगल से जो रेगुलर पॉलीगोन है ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, नो आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगोन वाई। देखिए मिनिमम बोला है, तो जो आपका इंटीरियर एंगल होता है, सॉरी जो पॉलीगोन होता है सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है, ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साइड्स होंगे, ओके। जो रेगुलर पॉलीगोन मतलब कि तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेगुलर का मतलब ये होता है कि जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, इट मींस क्या है कि यहाँ पे अगर ये अगर मतलब कि तीनों साइड्स इक्वल होंगे और तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें ये चीज़ पता है कि जो एक ट्रायंगल होता है उनके तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर 3 साइड्स हैं तो 3 साइड्स इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो 1 साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाई 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। मीन्स क्या है कि हर एक जो साइड होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। और अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पे आपको नाम भी क्या हो जाएगा, नाम यहाँ पे इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसके तीनों साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोला है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगोन, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगोन के कितने मतलब कि मैक्सिमम कितने मतलब मैक्सिमम जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल जो होंगे वो कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके तो देखिए कि जैसे कि बाय मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट में जैसे आपको बताया गया है कि जो हर एक एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्सटीरियर एंगल इसी से निकालते हैं, क्योंकि मिनिमम यही है, तो मैक्सिमम नंबर भी हम इसी से ही निकाल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे मेजरमेंट क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज 3.2 है ये आपका कंप्लीट हुआ। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।